2002 में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक तस्वीर भेजी। वो तस्वीर थी एक छोटी बच्ची और उसके पिता की। जितनी बार तस्वीर को देखते, बच्ची पे नजरें ठहर जाती, जिससे लगता कुछ तो गड़बड़ है। इकलौता शख्स जो उसकी असली पहचान जानता था, वो था उसका पिता। फ्रैंकलिन फ्लॉयड लगभग 20 साल से एक फरार मुजरिम था। उसने बैंक लूटा था, हैवानियत करना उसकी आदत थी। वो भागने में और अपनी पहचान छिपाने में माहिर था। उसकी एक बेटी थी, शेरिन मार्शल। वो जॉर्जिया टेक जाना चाहती थी, एरोस्पेस इंजीनियर बनने। मुझे याद है उसने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसके डैड उसे कॉलेज नहीं जाने देंगे। हमें पता चला उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं। वो उसे स्ट्रिप क्लब्स में भेजता ताकि वो उसके पैसों पर ऐश करे। अब सवाल ये उठता है कि शेरिन मार्शल का क्या हुआ। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम होता है सच का पता लगाना। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से समझ आ गया कि मामला इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं है। कौन है ये लड़की? वो कई नामों से जानी जाती थी। हम अलग अलग नामों के भूल भुलैया में फंस गए थे। एक खूबसूरत जवान लड़की शैतान के जाल में फंस गई थी। वो फंस चुकी थी, चाह कर भी निकल नहीं पा रही थी। हुआ क्या था? आखिर कौन है ये लड़की?